उत्तर प्रदेश की खबरों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम योगी ने आज विपक्ष को करारा जवाब दिया। सीएम योगी के आज के भाषण में अयोध्या से लेकर प्रदेश के विकास की बातें थी, साथ ही विपक्ष पर भी सीएम योगी ने करारा प्रहार किया। सीएम ने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, नव्य भव्य अयोध्या को देखकर सभी अभिभूत हैं। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कही गई। हमने तो केवल तीन जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। हर 17 के पहले उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने चार चार बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वह उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश वासियों के सामने, एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो हे दृश्य देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था नौकरी नहीं मिलती थी, यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई थी। महोदय पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है। बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे, कब तक यह अन्याय होगा। पता नहीं महाभारत क्यों, एक बार पढ़िए महाभारत। हाँ एकदम, आखिर परिवार के तीन सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था। अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं, इसीलिए कह रहे ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मित कर दिया। वहीं सदन की कार्यवाही के दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यूपी नंबर वन होने पर सवाल उठाए। ये जितना सच का डॉक्यूमेंट होना चाहिए था, सच्चाई के साथ, उतना नहीं दिखता है। जो सरकार लगातार $1 trillion की अर्थव्यवस्था की बात कर रही हो और अभी तक 1 billion असत्य बातें कहने के बाद भी $1 trillion की इकोनॉमी तक नहीं पहुंच पाए। अध्यक्ष महोदय, लोकराज लोकलाज से चलता है। मैं इस अभिभाषण के आखिरी में जिन बातों को लिख करके कहा गया है कि ये उत्तर प्रदेश किस किस में नंबर एक है, वो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश नंबर एक है किसमें? अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक संख्या में कार्यवाहक डीजीपी बनाने में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत सारे माननीय सदस्यों ने
समस्या उठाई है छोटा पशुओं की वजह से होने वाली दुर्घटना में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों की माने तो आरएलडी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। अब सूत्रों से खबर मिल रही है, विधानसभा सत्र के बाद जयंत चौधरी ने आरएलडी के विधायकों को दिल्ली बुलाया है। जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन को लेकर अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जैसे ही मामला सुलझेगा गठबंधन पर मोहर लग सकती है। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल 319 जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इनमें नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य और नगर निगम के पार्षद शामिल हैं। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरएलडी से गठबंधन को लेकर कहा, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहेगा उसका स्वागत। अब आप जानते हो भगवान राम ने इन लोगों को छोड़ दिया। ये लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, या ये वो लोग हैं जो हमेशा भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते रहे। अब ये किस मुंह से जाएंगे? इन्होंने कार सेवकों का नरसंहार कराने का काम किया। ये उस पार्टी के साथ गठबंधन में है जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को मानने से नकार कर दिया। राष्ट्रीय लोकदल की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आएगी, और चर्चा यह भी है कि जयंत चौधरी ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है उनसे बातचीत करने के लिए। चर्चा सर यह भी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसी वजह से रुका है, मंत्रिमंडल का विस्तार आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद होगा। राजनीतिक एक संभावनाओं का क्षेत्र है, हम संभावनाएं कभी मरती नहीं है। जहां तक किसी भी दल से भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का है विषय, कोई दल हमारा हिस्सा बनना चाहता है, हमारे गठबंधन का हिस्सा बनना चाहता है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है, तो एनडीए का हिस्सा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये केंद्रीय पार्टी का निर्णय होता है। मेरी पार्टी का जो भी नेतृत्व निर्णय करेगा, मोदी जी जो भी निर्णय करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृहमंत्री जी जो भी निर्णय करेंगे। आरएलडी के बीजेपी में जाने की खबरों को लेकर एसपी नेताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने। तो मेरा नहीं, मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचेगी। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अतीक की करोड़ों की प्रॉपर्टी को कुर किया गया है। सेक्टर 36 में मौजूद अतीक के घर पन्नत को कुर किया गया। सेक्टर 36 में 107 अतीक की 3 मंजिला कोठी है जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इसी कोठी में रहकर अतीक के बेटे ने पढ़ाई की थी। अतीक की कोठी बीटा 2 थाना क्षेत्र के सेक्टर 36 में है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने अतीक की कोठी को कुर्क करने की कार्रवाई की है। सेक्टर 36 स्थित प्लाट संख्या 107 पर जो ये कोठी बनी हुई है, ये इलाहाबाद पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा इसको 14 वन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के आदेश पारित किए गए थे। पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के आदेश के क्रम में स्थानीय पुलिस द्वारा आज इसको नियमानुसार कुर्क करके सील करने की कार्रवाई की गई है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।